आज 12 तारीख है, 10 तारीख है, 10 तारीख है ना? और मेरा कैलेंडर मेरे जानकारी के हिसाब से हम लोग इंसर्ट का तो बाकी चीज पढ़ ही लिए थे, ठीक है? मुझे लगता है पिवोट टेबल और ये स्लाइसर बचा था। स्लाइसर इसे कह लो या जो मन करे वो कह लो। अब आपको मालूम है कि मुझे अंग्रेजी कितना आता है, तो इसीलिए जो मन करे वो कह लीजिए आप लोग, ठीक है? तो देख लेते हैं पिवोट टेबल क्या है। इसको यहाँ पे आऊंगा मैं और इसमें मैं कर दूंगा बॉर्डर, ठीक है? बॉर्डर कर दिया तो ऐसा दिखने लगा, प्रीव्यू देखूंगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है? खैर प्रिंटिंग वगैरह तो मैं आप लोग को बताया नहीं हूँ अभी, ठीक है? तो आते हैं इंसर्ट में, सेलेक्ट करता हूँ इसको, ऐसे सेलेक्ट कर लिया हूँ, ये मेरा पूरा डेटा है, ठीक है? अब पिवोट टेबल में मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है? ये बोल रहा है सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट टेबल और रेंज, मतलब टेबल को या तो सेलेक्ट कर लो या तो रेंज सेलेक्ट कर लो, ठीक है? मैं पहले से सेलेक्ट करके तैयार था, ऐसे सेलेक्ट कर लूंगा इसको, ठीक है? फिर यहाँ बोल रहा है चॉइस हेयर योर वांट द पिवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, मतलब मैं कहाँ प्लेस कर दूँ पिवोट टेबल को या पिवोट रिपोर्ट को, ठीक है? मैं बोलता हूँ नया सीट बना लो, मेरे पास सीट का कमी थोड़े ही है। तो ये भी बोल दिया ठीक है, जब कमी नहीं है तो मैं बना लूंगा, ठीक है? तो ये देखिए पिवोट टेबल इस तरह का कुछ दिखने लगा अब, ठीक है? ध्यान से आप लोग देखिएगा सुनिएगा, हो सकता है कि अक्सर लोग भूल जाते हैं, ठीक है? तो नेम में मैं क्लिक कर दिया तो सारा नेम यहाँ पे आ गया, कोर्स पे क्लिक कर दिया तो सारा कोर्स आ गया, ठीक है? फिर फीस में क्लिक कर दिया तो सारा फीस यहाँ आ गया, यहाँ ग्रैंड टोटल आ गया, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे मैं स्क्रीन का रेजुलेशन थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ठीक है? क्योंकि वो फिट नहीं बैठ रहा है पूरा जो है, और आप लोगों को देखने में थोड़ा दिक्कत होगा। ओह नो, ये तो ऐसा दिखने लगा है। ये तो पूरा दिखाई देगा नहीं ऐसे। चल ओके, कीप चेंज, इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर, तब तो दिखेगा। अब ये देखिए यहाँ पे मैं कोर्स को ऊपर कर दूंगा और नेम आ गया यहाँ पे नीचे, ठीक है? तो ये कोर्स के अकॉर्डिंग अब दिखाने ग्रुप कर दिया, ठीक है? जैसे सी प्लस प्लस में कितने लोग हैं तो मोहन है, सुमित है, जावा में सिर्फ अमित है, उसका फीस इतना है, ठीक है? ये है मोहन, सुमित ये है, ठीक है? तो ऐसा हो गया ये, और नीचे टोटल का ग्रैंड टोटल दे रहा है, ठीक है? ये इस पे मैं ऐसे यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा और ऐसा फिर दिखने लगेगा। प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा तो प्रिंट प्रीव्यू में भी ये ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है? ये देखिए दिखाई दे रहा है तो ऐसा ही ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक ना? इसको मैं फिर से ऊपर ले जाता हूँ, नेम को कर दूंगा तो नेम के अकॉर्डिंग दिखने लगेगा, ठीक है? मान लीजिए इन सबको मैं यहां से रिमूव कर दिया, ठीक है? रिमूव फील्ड, यहां से मैं ले लाता हूं एड्रेस को, ठीक है? एड्रेस होगा और कोर्स होगा, ठीक है? तो बता रहा है कि इस एड्रेस में इस लैंग्वेज को पढ़ रहा है, इस एड्रेस में इस लैंग्वेज को पढ़ रहा है। मैं नेम को भी अगर यहाँ पे ले लाऊँ ना, ये देखिए एड्रेस हो गया, फिर नेम हो गया, फिर कोर्स हो गया। तो अभी बता रहा है इस एड्रेस पे ये व्यक्ति ये कोर्सेस कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे डबल क्लिक किया तो नए सीट में खोल दिया उसी को पूरा डिटेल्स में, ठीक है? इसको मैं डिलीट कर दिया,
तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस फेस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो फिर से ओपन हो जाएगा, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा डबल क्लिक तो ये आ जाएगा रिकॉर्ड ऐसा। ठीक है, ये रिकॉर्ड बहुत कम है इसलिए एक तो आपको दिख रहा है, मल्टीपल रिकॉर्ड होते एक से ज़्यादा होते तो एक से ज़्यादा दिखाई देता, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल पूरा करके दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप ग्रुपिंग वगैरह कर लोगे। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। अब एड्रेस के अकॉर्डिंग दिखने लगा, कोर्स को कर दूंगा ऊपर तो पहले कोर्स दिखेगा फिर एड्रेस दिखेगा कि इस कोर्स को पढ़ने वाला व्यक्ति इस एड्रेस से है। ठीक है, इसको कर दूंगा ऊपर तो ये फिल्टरिंग का ऑप्शन आ जाएगा फिर। ठीक है, इसको कर दूंगा ऊपर तो ये बोल रहा है कि सिर्फ सी प्लस प्लस को देखना चाहते हो तो सी प्लस प्लस का एक ही है जो वाड्रफनगर से है। एड्रेस को यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा, ले लाऊंगा नेम को यहाँ से ड्रैग करके ऐसे। ठीक है, तो बता दिया कि सी प्लस प्लस में मोहन है, सुमित है, इतना है। ठीक है, और ग्रैंड टोटल इन दोनों का फीस इतना हो जाएगा। फिर से मैं जावा पे मैं क्लिक कर दूंगा तो जावा पे फिल्टरिंग कर देगा ये। ठीक है, तो यही है फिल्टरिंग। आप चाहो तो मल्टीपल फिल्टर भी लगा सकते हो इस तरह से। ठीक है, जैसे एड्रेस को भी यहाँ पे मैं फिल्टर रिपोर्ट फिल्टर में ले लाया तो यहाँ आप एड्रेस के अकॉर्डिंग भी लग जाएगा। इस पे मैं कर दूंगा या इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए। लेकिन अब जावा प्रेमनगर से कोई पढ़ ही नहीं रहा है तो कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो यही है इसमें, बाकी तो कुछ रखा नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इन सबको डिलीट कर दिया। ठीक है, कोर्स ले लिया ऐसा। ठीक है, कोर्स को मैं ऊपर कर देता हूँ, कोर्स है फिर नेम आ गया। ठीक है, अब मैं सीट वन में आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर दिया कि सी प्लस प्लस है, यहाँ पे जो जावा लिखा है यहाँ पे कर देता हूँ जावा स्क्रिप्ट। ठीक हो गया, जावा स्क्रिप्ट बदल दिया ना। अब यहाँ पे आता हूँ मैं। ठीक है, बदला किसका रिपोर्ट था, अमित का बदला था कोर्स में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अमित इसमें दे देखिए तो जावा ही आ रहा है अमित का, तो जावा स्क्रिप्ट आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, अब इसके लिए समस्या हो गया। तो यहाँ पे आओगे कर दोगे रिफ्रेश। ठीक, तो जावा स्क्रिप्ट में अमित यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ से आप रिफ्रेश आप कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट भी यहाँ पे आपको दिखा ही रहा है, ऑल्ट प्लस F5 रिफ्रेश आल का कंट्रोल ऑल्ट F5। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। फिर आते हैं यहाँ पे सीट वन में। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और कुछ नाम आप लोग बताइए जो कि मैं ऐड कर सकूँ इसमें, बताओगे नहीं बताओगे। इसको क्या चाहिए, एसक्यूएल, एक इतने में पढ़ाई होगा 13,000, इसको और दे दिया ये कोर्स। ठीक है, ये हो गया 15,000। ठीक है, एक और कोर्स इसको दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट, ये कितने में पढ़ेगा, 8,000 दे दो पढ़ा देंगे। ठीक है, अब इन सब को सेलेक्ट करके मैं टेबल में कर दिया। ठीक है, तो मैं 2-3 ठो डेटा भी बढ़ा दिया मैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ सीट फोर में। ठीक है, ठीक, अब मैं यहाँ से जो कोर्स वाला फील्ड था इसको कर देता हूँ रिमूव। ठीक, अब आ गया। ठीक है, अब जो 3 ठो में जो रिकॉर्ड बढ़ाया था वो तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, भारी समस्या हो गया। तो अब क्या करेंगे, रिफ्रेश कर दूं, ये तो कर रहा हूँ रिफ्रेश, कुछ हो नहीं रहा है जी। ये देखिए,
नहीं हो रहा है ना रिफ्रेश, क्या किया जाए? एक काम करेंगे, ठीक, क्या काम करेंगे, डेटा सोर्स और चेंज डेटा सोर्स, ठीक है। तो ये देखिए, डेटा सोर्स में यहीं तक रेंज सिलेक्टेड है, यहां से मैं पकड़ के पूरा रेंज ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक, कर दूंगा, ओके। तब देखिए टोटल आ गया ना, ये जितना भी कोर्स कर रहा था सारे कोर्स का ये सम है, ये इसका ये सम है टोटल ये। अब कोर्स को भी कर लूं तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा कि ये आदमी 3 कोर्स कर रहा है, ये एक कर रहा है, ये दो कर, ये एक कर रहा है, बाकी सब लोग एक एक कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं कोर्स को ऊपर कर दूं अगर ऐसे ड्रैग करके, तो सी मोहन भी कर रहा है, सुमित भी कर रहा है, जावा स्क्रिप्ट ये भी कर रहा है, 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 ठीक है। तो इस तरह से रिपोर्ट आपका बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई किसी को कुछ दिक्कत समस्या है नहीं है? चलिए जी, जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये सी शार्प और ये दो लोग कर रहे हैं सी शार्प, ठीक है। तो 15,000 है ना, सैकड़ा हजार, 10,000, 15,000, 15,000 रुपये फीस है दोनों का, ठीक है। तो वही 30,000 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है। डबल क्लिक करूंगा इस पे तो ये देखिए आ गए, आ गया ना कि ये दो लोग कर रहे हैं, 15,000 रुपये दे रहे हैं, तो 30,000 रुपये टोटल हुआ, ठीक है। यहाँ पे सी प्लस प्लस है, ठीक है, ये भी बता रहा है कि वैल्यू इतना प्लस किया है, दो लोग कर रहे हैं सी प्लस प्लस का कोर्स, ठीक है। यहाँ पे टोटल 15,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसी पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो नया मेरी रिपोर्ट खुल जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा है, ठीक। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? ये देखिए यहाँ पे अब इसको ड्रैग कर दिया, ऊपर कर दिया नेम को, तो नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप हो गया, ठीक है। एक कर रहा है 3 ठो कोर्स, ठीक है, और तीनों कोर्स का सम कितना है, इतना है, ठीक है। इतना ही होगा ना, होना ही चाहिए, इतना नहीं होगा तो हमारा क्या जाएगा, चला जाएगा, बहुत कुछ चला जाएगा, हमारा रिपोर्ट गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एक कितना दे रहा है, टोटल 1,000 रुपये, डबल क्लिक, 1,000 नहीं है तो 10,000 है, डबल क्लिक मारूंगा तो ये देखिए इस तरह का बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दिक्कत तो होगा नहीं किसी को, अब नहीं होगा ना, होगा? चलिए जी, दिक्कत नहीं होगा तो अच्छी बात है। इसमें मैं एक ठो कॉलम और ऐड कर देता हूँ, एक दो ठो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दो, पेड फीस का स्पेलिंग सही है गलत है? सही है, यहां पे कर देता हूं बैलेंस फीस, ठीक है, हो गया। अब इसको भी मैं बॉर्डर कर देता हूं टोटल, ठीक ना, 2 ठो हो गया, डबल क्लिक यहां पे कर दिया तो ये फिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ऐसे करूंगा तो ये फिट हो गया पूरा, ठीक है। पेड फीस, एक पेड कितना किया है, 10,000 किया है, ये तो 1,000 हुआ। अब इसमें एडिट करना है तो मैं F2 दबा के एडिट करूंगा, फिर 0 लिख के एंटर मार दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना ऐड किया, 5,000 रुपये, ठीक है। ये कितना दिया, 4,000 रुपये, ठीक है। एक कितना दिया, 500 रुपये, एक कितना दिया, 4,000 रुपये, ठीक है। तो इस ऐसे ही मैं कुछ रेंडम भर दूंगा, ठीक है, ऐसे। अब बैलेंस फीस कितना है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन दूंगा, इसको कर दूंगा ऐसे, माइनस इसको कर दूंगा यहाँ पे क्लिक और कर दूंगा एंटर, ठीक। तो ये बैलेंस फीस हो गया। अब यहाँ पे ऐसा माउस पैटर्न बना ना, डबल क्लिक मारा पूरा अपने आप ऑटो फिल हो गया, या फिर ऐसे पकड़ के मैं खींच भी लूंगा ऐसे तो भी हो जाएगा, इसको बोलेंगे ऑटो फिलिंग फॉर्मूला, ऑटो फिलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आया, फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेटा सोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा,
फिर से मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा ऐसे डेटा सोर्स, ठीक है, कर दिया ओके, टोटल आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं नीचे आऊँगा, इन दोनों को भी ऐसे करूँगा, ये तीनों जो आ गए यहाँ पे इस सम वैल्यू में, ये है सम का साइन, ठीक है, इनको जोड़ेगा अब, ठीक है। अब रिपोर्ट इस तरह का बन के हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। नेम इसका ये है, इसका फीस इतना है, पेड इतना है, इसका बैलेंस फीस इतना है, ठीक है। ठीक इसी तरह से मैं आता हूँ नीचे, ठीक है, ये तीन कोर्स कर रहा है, ठीक है, इसका टोटल फीस इतना होता है, ये पेड इतना किया है, इसका बैलेंस फीस इतना है, ठीक है, इस ठीक है, सी शार्प में टोटल फीस इतना था, ठीक है, पेड इतना किया है इसने और इसका बैलेंस इतना है, ठीक है, टोटल ये है, ठीक है, ये है डिटेल्स में और इसको टोटल करके इतना किया है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, आ रहा है ना। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल किया है, सारा फीस को पहले जोड़ा कि टोटल फीस कितना है, ठीक है, और फिर पेड फीस को यहाँ पे टोटल जोड़ा और फिर यहाँ पे बैलेंस फीस जोड़ दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, डबल क्लिक कर दूंगा तो इसको नया टेबल में बना देगा, किसका फीस इतना था, पेड फीस इतना था, बैलेंस फीस इतना है, ठीक है। तो ये इसी तरह का रिपोर्ट वगैरह जनरेट करके दे देता है, ठीक है। या फिर मैं कोर्स को कर दूं ऊपर, यहां से नेम आ गया नीचे। अब देखिए आप, ये कोर्स के अकॉर्डिंग ग्रुप कर दिया, ठीक है, सी शार्प में दो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनका फीस टोटल इतना इतना है, इन्होंने पेड इतना इतना किया है, इनका बैलेंस फीस इतना इतना है, ठीक है, ये टोटल टोटल फीस सी शार्प का इतना आएगा, पेड इतना है, बैलेंस फीस इतना है, मतलब इतना बाकी है, ठीक है। इसी पे मैं डबल क्लिक करूं तो ये देखिए सी शार्प वाला टोटल इसमें एक शीट में बना के रख दिया, ठीक है। तो इस तरह से तो आप लोग बना लोगे ना, आसान है, एसक्यूएल है, ठीक है। अब इसी पे यहाँ पे डबल क्लिक में मारा तो देखिए एसक्यूएल के अकॉर्डिंग नया शीट बना दिया, ठीक है। एड्रेस के अकॉर्डिंग चाहूँ तो एड्रेस के अकॉर्डिंग भी बन जाएगा इसी तरह से, ठीक है। तो ये आसान काम है, हो जाएगा आप लोग से, हो जाएगा ना। क्या चीज बढ़ाना घटाना है तो बढ़ा दीजिए ना यहाँ से। चलिए इसको मैं क्या कर दिया, 14,000 कर दिया, ऐसा एंटर मार दिया, ठीक है। अब आ जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, किस में मैं बढ़ाया, अमित वाले में बढ़ाया ना, तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा। अब अमित कहाँ है, ये देखिए जावा स्क्रिप्ट कोर्स कर रहा है अमित, अमित का फीस पेड तो ज्यादा था लेकिन यहाँ पे इतना है, यहाँ पे बढ़ाया लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ ना, यहाँ पे क्या करूंगा, रिफ्रेश मार दूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया ना, ये देखिए बैलेंस फीस इतना है, ठीक है। तो क्लियर है ना, ये एडिटिंग कर लेंगे आप ऐसे, ठीक हो जाएगा ना, नहीं होगा, हो जाएगा। ऊपर मैं नेम को कर दूंगा, कोर्स आ जाएगा नीचे, तो नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप हो जाएगा। अब नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप होगा तो यहाँ पे डबल क्लिक मारूंगा तो नेम के अकॉर्डिंग सीट बन के दूसरे सीट में बना के तैयार कर देगा, ठीक है। यही पिवोट चार्ट है, ठीक है। तो ये तो आसान काम है, आप लोग बना ही लोगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, कहे कि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। सॉर्टिंग वगैरह के लिए ये है, सॉर्टिंग को तो मैं आपको बता ही दिया शायद, ठीक है। तो ये बना लोगे आप लोग, मेरे पास से कुछ कम डेटा है इसलिए मैं इतना ही दिखा पा रहा हूँ आपको, आप ज्यादा डेटा का ग्रुप बनाओगे तो आप ज्यादा डेटा का दिखा पाओगे, ठीक है। पर ऐसे ही बनेगा ये, ठीक है, डेटा सोर्स ही बता ही दिया, स्लाइसर नहीं बताया ना, ये देखिए स्लाइसर पे क्लिक करिए, इंसर्ट स्लाइसर पे आ जाइए, ठीक है। किस किस का स्लाइसर चाहिए, इसका चाहिए मेरे को, इसका चाहिए मेरे को, बस हो गया इतना ही चाहिए, देखिए ये आ गया 200 स्लाइसर, इसको मैं इधर ले लाऊंगा, इसको भी मैं यहाँ पे ले लाऊंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से छोटा कर लूंगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक।
अब इस पे मैं सी प्लस प्लस पे क्लिक करूंगा तो सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग फिल्टरिंग करेगा, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो इसके अकॉर्डिंग फिल्टरिंग करेगा, इस पे क्लिक कर दूंगा तो इसके अकॉर्डिंग करेगा, इस पे क्लिक करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग क्लिक करेगा, फिल्टर करेगा। ठीक है, ये देखिए सी प्लस प्लस को वाटरप्रगर से इतने लोग कर रहे हैं तो ये आ गया। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर को कौन कर रहा है इधर से, तो ये देखिए आ गया ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ जाएगा, डबल क्लिक मारो तो नए में वो ओपन कर देगा। ठीक है, तो ये स्लाइसर यही है। ठीक है, फिल्टरिंग वगैरह करता है स्लाइसर। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये फिल्टरिंग को क्लियर कर देगा, फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सारा रिकॉर्ड दिखाने लगेगा। ठीक है, तो स्लाइसर का यही है जो है मतलब। ठीक ना, क्लियर कर दूंगा, क्लियर आल तो क्लियर हो गया पूरा। ठीक है, क्लियर सेलेक्ट करूंगा तो सेलेक्ट होता। ठीक है, मूव टू पिवोट टेबल कहाँ मूव करना है, नया सीट में करना है या एग्जिस्टिंग सीट में करना है। न्यू सीट में क्लिक करके मूव करूंगा तो नया सीट में हम मूव कर देगा यहाँ से हटा के, मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका फील्ड आइटम लिस्ट ऑफ फॉर्मूला कैलकुलेट फील्ड, तो कैलकुलेट तो कर ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप इसमें प्रैक्टिस करो। ठीक है, इन ऑप्शन को आप ट्राई करो एक एक करके सारे ऑप्शंस को। ठीक है, जो चीजें समझ में नहीं आएगा आप लोग पूछना, तभी बताऊंगा मैं। ठीक, ऐसे मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग के लिए भी तो कुछ बचना चाहिए। क्यों, मैं कुछ और बताने वाला था लेकिन भूल गया क्या बताने वाला था, भूल गया आप क्या बताने वाला था। सेलेक्ट करके डिलीट बटन पर क्लिक किया, स्लाइसर हट गया, फिर से इस डिलीट बटन पर क्लिक किया तो ये भी स्लाइसर हट गया। ठीक है, इस पे मैं आऊंगा, इसको क्लोज कर दूंगा। डिजाइनिंग में आओगे ना तो और भी कुछ कुछ आएगा जो है, सब टोटल, डोंट सो सब टोटल कर दूंगा तो सो नहीं करेगा सब टोटल, सो करूंगा आल सब टोटल, टॉप ऑफ ग्रुप सब टोटल तो ये करेगा। ठीक है, टेबल ऑप्शन, ये पिवोट टेबल का कुछ लेआउट्स वगैरह है। ठीक है, मैं इन सबको बंद कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, फिर से ओपन कर लेता हूँ इसको। ये क्लिक किया इस पे तो सारा टेबल बना दिया ये। ठीक है, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी, ये पिवोट टेबल वाला है इसको भी डिलीट। ठीक है, फिर से मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ पिवोट टेबल। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट हो गया, अब फिर से यहाँ पे आऊँगा, पिवोट चार्ट भी ऐसे ही इंसर्ट होता है। ठीक है, ये देखिए आ गया पिवोट चार्ट, नेम करूँगा, कोर्स करूँगा, फीस, पेड फीस, बैलेंस फीस, तो इस तरह से ये आ जाएगा। साइज बढ़ाना है किस चीज का, क्या बढ़ाने का बात कर रहे हो, साइज किस चीज का है, ये देख लो, इस तरह से पूरा चार्ट बन के आ गया। जावा स्क्रिप्ट तीन लोग कर रहे हैं, एक लोग का इतना पेड़ है, एक लोग का इतना है, एक लोग का इतना है। ठीक है, तो इस तरह से आप पिवोट चार्ट बना लोगे। ठीक ना, पिवोट चार्ट भी ऐसे ही बन जाएगा। इसको साइड में मैं किनारे मूव करके रख लेता हूँ, ये देखिए इधर करूंगा तो ये देखिए आ गया, सम ऑफ फीस, सम ऑफ बैलेंस फीस, सम ऑफ टोटल फीस वगैरह का है।
इसी तरह से ये बन जाएगा, ठीक ना। कोर्स को कर दूंगा ऊपर, तो कोर्स के अकॉर्डिंग ग्रुप हो गया अबे, ठीक है। अब ये देखिए इधर चार्ट बन के रेडी हो गया, राम का इतना है, बाकी बाकी का इतना है, ठीक है। श्याम तीन ठो कर रहे हैं क्या, ये देखिए, ठीक है। तो चार्ट इसी तरह से आप बना लिया करोगे, ठीक ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट मारता हूँ, इन सब को डिलीट मारता हूँ, सीट को भी डिलीट कर देता हूँ। इस पे मैं सेलेक्ट किया था, राइट क्लिक करूंगा, शो कर लूंगा इसको, ठीक है। पिवोट टेबल फिर डिलीट। इसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, राइट क्लिक, पिवोट टेबल ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ये सब आप देख ही रहे हो, लेआउट एंड फॉर्मेट, मर्ज सेंटर से लैंड लेवल, मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, फिर यहाँ पे ये है शो ग्रैंड टोटल रो, ठीक है। तो ग्रैंड टोटल नहीं शो करेगा, जैसे ये देखिए मैं इसमें क्लिक कर दिया, ठीक है, ग्रैंड टोटल शो कर रहा है ना। राइट क्लिक करूँगा, ऑप्शन पे जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे आऊँगा, हटा दूंगा तो जो है शो नहीं करेगा वो, ठीक है। इसको भी हटा दूंगा तो ये भी शो नहीं करेगा, ओके किया, शो नहीं कर रहा है, गायब हो गया। ये देखिए इसमें भी नहीं शो कर रहा है, नेम को भी ले लेता हूँ इसमें, तो ये देखिए, ठीक है। तो यही है, बाकी तो इसमें कुछ और है नहीं। शो वैल्यू एज, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, परसेंट वाइज भी कर लो तो आप ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस पे मैं क्लिक किया, ठीक है, राइट क्लिक किया, और कहाँ गया ये कॉलम एज परसेंट, तो परसेंटेज में ये शो कर दिया, ठीक है। लेकिन मुझे इस चीज का तो जरूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन आप देखो नो कैलकुलेशन पे क्लिक कर दूंगा तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आऊंगा यहाँ पे, सम नो कैलकुलेट, ये देखिए ऐसा हो गया। फिर राइट क्लिक करूंगा मैं, ठीक है, ग्रैंड टोटल को परसेंट में दिखाना है या नहीं, रो को टोटल, ठीक है। यहाँ पे आइए, सम ऑफिस रिमूव करूंगा तो रिमूव कर देगा ये, ठीक है। नंबर का फॉर्मेट यहाँ से आप बदल दोगे, ठीक है, 00 प्लेस करें कि ना करें, मैं बोलता हूँ ठीक है जी कर दो, तो कर दिया 00, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी चीजें देख लेना, ठीक है। करेंसी का सिंबल भी चाहो तो दे दोगे इसमें, सेल फॉर्मेट में जाके करेंसी, ये देखिए INR में दिया तो सब में INR लग गया, ये देखिए लग गया ना, यहाँ पे सब में करूंगा तो सब में हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक, काउंट में क्लिक कर दूंगा तो काउंट कर दिया, ठीक है, कि इसमें दो ठो सिर्फ है, सी शार्प वाला दो आदमी कोर्स कर रहे हैं, सी प्लस प्लस भी दो लोग कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट भी दो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काउंटिंग कर रहा, ठीक है, यही सब है, बाकी तो इसमें कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है ज्यादा, ठीक है। इन सब को एक एक बार आप ट्राई करोगे, ठीक है। पिवोट टेबल ऑप्शन में मैं फिर से जाऊंगा, ग्रैंड टोटल को शो करा देता हूँ, ठीक है। शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम के लिए है, ये रो के लिए है, ठीक है। डिस्प्ले शो एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन, इधर जो प्लस का साइन नहीं है इधर, इसी का ये बात कर रहा है, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया तो गायब हो गया, ठीक है, अब नहीं कर सकते हो आप ऐसे, ठीक ना। तो ये गायब हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा मैं, ठीक है, और फिर चला जाऊंगा यहाँ पे डिस्प्ले, इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो दिखाई देने लगेगा, डिस्प्ले फील्ड कैप्चर फॉर फिल्टर, हाँ डिस्प्ले करना, एक क्लासिक पिवोट लेआउट है, ठीक है, इसको थोड़े देर में बता रहा हूँ।
सो द वैल्यू रो, और तो शो करता ही है। प्रिंटिंग में थोड़ा मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। ये बोल रहा है रिपीट रो लेबल ईच प्रिंटेड पेज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ अभी, ठीक है। बाकी ये उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको मैं अनचेक करके जो है ओके कर दिया हूँ, ठीक है। लेकिन अभी कुछ होगा नहीं, ठीक, अभी तो कुछ ये होगा नहीं जी। कब होगा बता रहा हूँ, कब होगा। ऐसा किया, मैं आता हूँ इस पे, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। इसको पकड़ के खींच लूंगा ऐसे, ठीक, पकड़ के खींच लिया ऐसे। ये इस तरह का कुछ डेटा जो है आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे आऊंगा। सेलेक्ट ऑप्शन में जाऊंगा, डेटा सोर्स में आऊंगा, चेंज डेटा सोर्स, ठीक है। यहां पे आऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो फिर डाउन एरो, सारा सेलेक्ट करके कर दिया ओके, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, देखूंगा यहां से प्रीव्यू, ठीक है। एक टेबल में क्यों आ रहा है, रिफ्रेश मार दूं तो आने लगेगा सारा। चलिए जी, कर दिया रिफ्रेश, अब भी नहीं आ रहा है जी। मैंने तो डेटा सोर्स जो है फिल्टरिंग कर दे रहा है क्या, ये फिल्टरिंग कर दे रहा है जो है। डिलीट मार के मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा रिपीटेड दिखाई दे। इंसर्ट पिवोट टेबल, पूरा ये रिपीट नहीं करेगा तो फिर मैं कैसे दिखाऊंगा। ये तो इतना ही दिखाएगा, ये रिपीट नहीं करेगा मेरे को लग रहा है। और ये रिपीट नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए, उसका मतलब ये था ना कि जैसे आपने प्रिंट कुछ किया, ठीक है, तो पहला पहला जो है, ठीक है, उसमें तो ये लेबल आएगा, ठीक है, कि ये सम किया है फीस का, ये सम किया है पेड फीस का, ये बैलेंस फीस का, ठीक है। लेकिन दूसरा पन्ना जब आएगा तो पता कैसे चलेगा, पता नहीं चलेगा ना दूसरा पेज में भी, लेकिन पता तो चलना चाहिए। तो ये जो रो का हेडिंग है ना, इसको सारे पन्ने में रिपीट करेगा, ऐसा कहने का मतलब था उसका, ठीक है। ये जो प्रिंटिंग वाला ऑप्शन है, इसका वही कहने का मर्जी था कि मैं सारे, ये देखिए बोल रहा है रिपीट रो लेबल ऑन ईच प्रिंटेड पेज, सारे पेजेस में जो है ये प्रिंट करेगा, ठीक है। इसका यही मतलब था जो है, ठीक ना। डेटा ज्यादा रहता तो मैं दिखा देता, लेकिन डेटा ज्यादा तो है नहीं अभी, और ये फिल्टरिंग कर रहा है जो अभी। इतना तो क्लियर है ना सबको, है क्लियर नहीं है क्लियर बताओ, अगर बताओगे तो मैं आगे चलूंगा। फिर ये पीबोर्ड और स्लाइसर ये तो हो ही गया जो है खत्म, ठीक है। बाकी इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप लोग बताओ मुझे, दिक्कत है नहीं है, है दिक्कत। नहीं है, रो हेडर कॉलम यही सब है जो है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बेंडेड तो ऐसा आएगा, ऐसा आ जाएगा,
ब्लैंक रो, इंसर्ट डॉक्टर रिच, तो ब्लैंक रो आएगा, रिमूव कर दूंगा तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये रिपोर्ट का लेआउट वगैरह है, ये देखिए ऐसे आएगा या ऐसे आए। ठीक है, या रिपीट करे, रिपीट आल आइटम लेबल तो रिपीट कर देगा, डोंट रिपीट आइटम तो रिपीट नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, यही चीजें हैं ये सब में, बाकी तो कुछ है नहीं। ठीक ना, तो ये तो क्लियर ही होगा सबको। अब है क्लियर नहीं है? ऑफ फॉर रो कॉलम, हो गया कंप्लीट, हो गया ना? चुप, कोई कुछ कहेगा तो मैं आगे कुछ चलूंगा। ठीक है, इंसर्ट तो खत्म ही हो गया अब। ठीक है, अच्छा खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और बाकी ही है। मैं इस सीट पे आता हूँ। ठीक है, ये स्लाइसर तो आपके कंप्यूटर में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस 2007 है। ठीक है, 7 में स्लाइसर नहीं होता है, 10 में है। ठीक है, तो आप वाले में नहीं मिलेगा ये। ठीक है, बाकी जो है मैं इस डेटा को सारा डिलीट कर देता हूँ। ऑल क्लियर। ठीक है, इंसर्ट चार्ट वगैरह तो मैं आपको बता ही दिया था जो है। ये देखिए आ गया सारा फीस टोटल, ये स्विच करूंगा तो ऐसे हो जाएगा अमित, ये सब आ गया। ठीक है, फीस पेड, फीस बैलेंस, फीस चार्ट के अकॉर्डिंग पूरा दिखाई देगा अब ये। ये सब बाकी सेटिंग्स वगैरह है। ठीक है, डेटा टेबल का डिस्प्ले हो ना हो ऐसे। ठीक है, फॉर्मेट्स वगैरह का ये है। ठीक है, फिर से मैं इंसर्ट में आ जाता हूँ, इस वाले में आके। ठीक है, ये है हाइपरलिंक। ठीक ना, हाइपरलिंक से क्या मतलब है? जो आपने पढ़ा था ना एमएस वर्ड में, वही हाइपरलिंक यहाँ पे भी है। यहाँ पे मैं कुछ कर लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे ओपन सीट 3। ठीक, आ गया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट हाइपरलिंक, ये है हाइपरलिंक वाले में क्लिक किया, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, 3 का लिंक किया, आ गया ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे जैसे मैं आऊँगा और क्लिक करूँगा तो खुल गया ना सीट 3, खुल गया। तो यही है इसका मतलब। ठीक है, जैसे वर्ड में आप लिंक किए थे वैसे ही इसमें भी लिंक कर सकते हैं, ये सीट हो जाएगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस लिंक हो जाएगा, वेब पेजेस जो है लिंक हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करके आप लिंक कर सकते हैं। तो जो हाइपरलिंक आपने वहाँ पढ़ा था ना, वही सेम हाइपरलिंक यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे सिर्फ क्लिक करने से खुल जाता है कोई भी चीज़ें। ठीक है, ये है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स ऐसे बन जाएगा जो आपने वर्ड में बनाया था। ठीक है, ये देखिए बन गया, कहीं भी खींच के ले जाऊंगा, डिलीट बटन दबाऊंगा तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हेडर एंड फुटर, जो आपने वहाँ हेडर फुटर देखा था वही हेडर फुटर यहाँ पे भी है। ठीक है, कुछ भी ऐसे लिख लो। ठीक, नीचे भी ये आप लगा सकते हैं फुटर में। क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। होम पे आऊंगा, व्यू पे आके मैं इसको कर दूंगा नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, अब प्रीव्यू देखिए आप, तो हेडर दिख रहा है ना ऊपर, ये दिख रहा है। तो ऐसे ही आप इंसर्ट कर लोगे हेडर और फुटर, हटाना है तो इसमें जाओ डिलीट कर दो ऐसे ऐसे। ठीक है,
कोई किसी को दिक्कत दिक्कत है या नहीं है? इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर डाल सकते हो, नंबर ऑफ पेजेस, करंट डेट, करंट टाइम, फाइल पाथ, फाइल नेम, ठीक है। सीट का नाम डाल सकते हो आप, पिक्चर डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा मैं, लाइब्रेरी, पिक्चर्स नहीं है क्या? ऐसे ऐसे डाल दिया मैं पिक्चर, ये देखिए आ गया पूरा पिक्चर। प्रीव्यू जब मैं किया तो ये फोटो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप ले लाओगे, ठीक ना। एंटर 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 ऐसे कर दो इसको, तो ये नीचे चला गया थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए, तो बैकग्राउंड में अगर कुछ इमेज वगैरह आपको लगा करके प्रिंट करना है ना, तो आप ऐसे ही प्रिंट कर लेना, ठीक है। हेडर फुटर वगैरह का इस्तेमाल करके सब कुछ चीज़ें आपको रेडीमेड नहीं मिल सकता, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको खुद से बनाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। सारा चीज़ें आपको रेडीमेड नहीं मिल सकता, ठीक है। बाकी गो टू फुटर, गो टू हेडर पे जाएंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में जाऊंगा तो क्या होगा? डिफरेंट पेजेस, डिफरेंट फर्स्ट पेज में कुछ अलग होना चाहिए क्या? तो हाँ जी, अलग कर देगा। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, ठीक है, ऑड और इवन पेज में डिफरेंट होना चाहिए, तो जी कर देगा ये, ठीक है। स्केल विद डॉक्यूमेंट, अलाइन विद पेज, ठीक है। इन तीनों को आप खुद ट्राई करो, ना बने तो मेरे से पूछो, ठीक, लेकिन खुद ट्राई करना उन सबको, ठीक है। फिर से मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, मैं व्यू में आके इसको नॉर्मल लेआउट फिर से कर लेता हूँ, ठीक है। अब फिर से आऊंगा इंसर्ट में, हेडर फुटर हो गया, वर्ड आर्ट जो एमएस वर्ड में आपने देखा था वही सेम यहाँ पे भी है, ठीक है। ये देख लीजिए, दुनिया भर का वही स्टाइलिंग्स वगैरह, ये देखिए ऑटो सेव भी आ रहा है, ठीक है। तो जो आपने वर्ड में देखा था वही चीजें यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। अब फॉर्मेट्स में जाएंगे, यहाँ से कुछ ऑटो सेव वगैरह भी आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। जो चीजें वर्ड में इसका जैसे आपने इस्तेमाल किया था ठीक वैसा ही इस्तेमाल यहाँ पे भी होगा। अब मैं वर्ड में आपको बता दिया था जो है, ठीक है, ये देखिए हो रहा है, ठीक है। अब वर्ड में मैं बता दिया था इसलिए मैं यहाँ बताना नहीं चाह रहा हूँ, समय जो है ज्यादा बर्बाद होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ जो है बताना नहीं चाह रहा हूँ उस चीजों को, ठीक है, ठीक है। ये बस रोटेशन वगैरह का है, ठीक है। खैर इसको तो मैं ऐसे भी कर दूंगा, ठीक है, ठीक। तो ये तो आसान काम है, आप सब लोग कर ही लोगे, ठीक है। फिर से इंसर्ट पे आता हूँ, ये सिग्नेचर का, ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। जो इंसर्ट ऑब्जेक्ट एमएस वर्ड में आपने पढ़ा था डिट्टो वही है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? अदर सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया हुआ जो है ना, अदर सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया हुआ एप्लीकेशन को, बनाया हुआ फाइल्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। जैसे बिटमैप इमेज, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, क्लोज करूंगा, ये फोटो यहाँ पे इंसर्ट हो गया, डबल क्लिक मारूंगा, पेंटिंग से ओपन करेगा, ये देखिए फिर से आ गया है, ठीक है। तो यही है, यहाँ से कुछ यहाँ पे ऐसे आओगे, फिर यहाँ पे आ जाओगे आप लोग नीचे, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन वगैरह का भी है, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिक्स वगैरह को आप टाइप कर लोगे कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे। ये देखिए आ रहा है ना, ये इसको आप बड़ा कर दोगे तो मैथ्स वगैरह का कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी ऐसे आप बना लोगे, ठीक है। किसी ने लाया तो था मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, लेकिन मैं बता नहीं पाया, ठीक है। चलिए
मेरा कुछ स्वास्थ्य सही नहीं है अभी, अगर कुछ स्वास्थ्य सही होता है ना तो मैं आपको बता दूंगा मैथ्स का क्वेश्चन पेपर टाइप करके, ठीक है। अब इसको मैं कर दिया क्लोज। अब ये देखिए यहाँ पे जो है इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आइकन दिख रहा है खाली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हम मैथ्स का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं वो सारा यहाँ पे दिख रहा है। ये कैसे होगा, ऑब्जेक्ट में आइए, डिस्प्ले एज आइकन करेंगे तो ये आइकन टाइप में दिखेगा, और डिस्प्ले नहीं करेंगे आइकन टाइप में तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए जी, सिंबल में भी वही है, सिंबल जो वर्ड में सिंबल आप पढ़ते हैं, इक्वेशन में क्या होगा, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स वगैरह का सारा इसमें आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है, क्लिक करूंगा तो वो इंसर्ट हो जाएगा, ये देखिए आ गया यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ये देखिए, ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं इसमें सिंबल में, ठीक है। फिर इक्वेशन में सिंबल में करेंगे तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह आपको इसमें नजर आएंगे, ठीक है, हिंदी का, अंग्रेजी का, बाकी बाकी का जो स्पेशल कैरेक्टर आप कीबोर्ड से नहीं ला सकते उसको यहाँ से आप ले लाएंगे, जैसे मैं इसको ले लाया, ठीक है, इंसर्ट हो गया यहाँ पे ये, ठीक है, तो यही है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। मेरे लैपटॉप का बैटरी भी लो हो गया। चलिए इंसर्ट मेनू तो लगभग खत्म हो गया, इंसर्ट मेनू के बाकी सारे को आप देखिए एक बार, ठीक है, समझ में आता है तो आप बना लीजिए, जो समझ में नहीं आता है वो चीज़ आप पूछ लीजिए, ठीक है, कल से पढ़ेंगे पेज लेआउट, ठीक है, ठीक। चलिए आप लोग अब जाइए प्रैक्टिकल वगैरह करिए, ठीक है।